नमस्कार, मैं हूं पलक और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। शुरुआत करते हैं टॉप 10 खबरों की। तीन देशों की यात्रा के आखिरी चरण में पीएम मोदी ने गुयाना की संसद को किया संबोधित। कहा, भारत हमेशा से लोकतंत्र पहले, मानवता पहले की भावना के साथ वैश्विक स्तर पर अपना कर्तव्य निभाता है। घूसकांड में फंसे अरबपति कारोबारी और अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी, बिजनेसमैन गौतम अडानी पर अमेरिका में लगे धोखाधड़ी और रिश्वत देने के आरोप। अडानी पर हुए अमेरिकी एक्शन से भारत समेत दुनिया में मचा हड़कंप। लाओस दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। कहा कि विश्व को जारी युद्धों और अंतर्राष्ट्रीय क्रम की चुनौतियों के समाधान के लिए बुद्ध के सिद्धांतों को अपनाना जरूरी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को सुलझाने के लिए भारत ने हमेशा से बातचीत का रास्ता अपनाया। दिल्ली में पॉल्यूशन के चलते केंद्रीय कर्मचारियों को दिए गए अलग अलग समय पर दफ्तर जाने के निर्देश, साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने की दी गई सलाह। दिल्ली के 4 स्टेशन में AQI 400 से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। रेल विकास निगम के प्रबंधक अजीत सिंह यादव के मुताबिक 16 किलोमीटर टनल और खुदनी है, मार्च 2025 तक पूरा हो जाएगा काम। ब्लास्ट टेस्ट टेक्निक पर बना रूट, हाई स्पीड पर दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। दिल्ली सीएम आवास के निर्माण में लापरवाही और आप सरकार में भ्रष्टाचार के चलते विरोध प्रदर्शन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत कई नेता और कर्मचारी कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल। एनसीपी अध्यक्ष दीपक मांकर ने पुणे में महायुति की सभी 8 सीटों पर किया जीत का दावा। कहा कि महायुति ने जनता का भरोसा जीता। हमने जनता के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई, जिसमें लड़की बहन योजना को भारी प्रतिसाद मिला। इससे ये स्पष्ट है कि जनता ने हमें ही वोट दिया है। हरियाणा के जिंद जिले के जुलाना हलके से कांग्रेस की विधायक और ओलंपियन विनेश फोगाट के गुमशुदगी के लगे पोस्टर सोशल मीडिया पर तेजी से पोस्टर हो रहे वायरल। यूपी के उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग को मिली 314 शिकायतें, इनमें धांधली से लेकर फर्जी वोट तक शिकायत शामिल। सपा नेता ST हसन ने कहा कि पुलिस को मतदाता की वोटर ID चेक करने, डराने धमकाने और लाठीचार्ज का हक नहीं। महाराष्ट्र के कथित बिटकॉइन घोटाले मामले पर CBI की जांच शुरू। 66 करोड़ बताई जा रही घोटाले की रकम। मामले में CBI ने गौरव मेहता से की लंबी पूछताछ। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए अर्थ प्रकाश टीवी।